वृंदावन में कालिया और धनु का सामना करने के कारण दोनों भाइयों की ख्याति के चलते कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार इतने बलशाली किशोर को वसुदेव और देवकी के पुत्र ही हो सकते हैं। तब कंस ने दोनों भाइयों को पहलवानी के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि उन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन दोनों भाइयों ने पहलवानों के शिरोमणि चाणूर और मुष्टि को मारकर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते ही उसको भी मार डाला। कंस का वध करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। उनके नाम हैं न्यायग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टित। उनके कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहने थी। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं और उन्होंने ब्रजभान के शासन संभालने के पूर्व तक राज किया। कृष्ण बचपन में ही कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के बाद उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और उनके सहित राज का भय भी। तब उनके पिता और पालक ने दोनों भाइयों की शिक्षा और दीक्षा का इंतजाम किया।